आज हम लोग देखेंगे ऐसा लैच, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कपल्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। अब जो हम ऐसा लैच आज हम देखेंगे उसको हम नोर गेट्स का यूज करके बनाएंगे। किसका यूज करके बनाएंगे? नोर गेट्स का यूज करके बनाएंगे। अब लैच क्या होता है? एक मेमोरी एलिमेंट होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो कि एक बिट को स्टोर करता है और इसमें कोई क्लॉक पल्स नहीं प्रोवाइड की जाती है। अब हम नोर गेट का यूज करके इसको कैसे बनाएंगे? जैसा कि मैंने बताया था, जो मेमोरी एलिमेंट होते हैं उसमें एक तो क्या होता है, नॉर्मल इनपुट नॉर्मल आउटपुट रहता है क्यू, और एक और क्या रहता है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो तो हमें क्या मिलेंगे, आउटपुट्स मिलेंगे, क्यू एंड क्यू का कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्योंकि नोर गेट्स का यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कितने गेट्स लगाएंगे? दो नोर गेट्स लगाने वाले हैं। तो ये हो गया फर्स्ट नोर गेट और ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड नोर गेट, ये हो गया। अब इसमें हम इनपुट्स कितने देंगे? पहला जो इनपुट हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, आर, आर फॉर रीसेट, आर मीन्स क्या होता है रीसेट। और दूसरा जो इनपुट रहेगा उसमें क्या रहेगा, एस रहेगा, एस फॉर सेट। अब हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि सीक्वेंशियल सर्किट में जो आउटपुट रहता है वो प्रीवियस स्टेट पर डिपेंड करता है। तो ये जो हम क्या करेंगे, फीडबैक कनेक्शन बनाएंगे और फिर ये वाला दूसरा हम कनेक्शन कैसे बनाएंगे, ये इस तरह से बनाएंगे। मतलब हमने इस फर्स्ट गेट को क्यू डैश से, ये गेट नंबर वन और ये क्या है टू है, इसको क्यू के कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट किया और इसको किससे कनेक्ट किया, क्यू से कनेक्ट किया। अब इसको समझने से पहले हमें क्या समझना है कि नोर गेट की वर्किंग क्या होती है। तो नोर गेट का आउटपुट क्या होता है, मान लिया हमारे इनपुट्स हैं ये दो ए एंड बी, ये दो क्या है हमारे इनपुट्स हैं। अब ये क्या होता है, ओर का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हमारे इनपुट्स क्या होंगे, ये होंगे हमारे इनपुट्स। अब ओर गेट में क्या होता है, जीरो प्लस जीरो होता है, जीरो होता है। तो नोर गेट में क्या होता है, हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब जीरो प्लस जीरो हमें क्या मिलेगा, ये वन मिल जाएगा और यहां पर क्या मिल जाएगा, जीरो जीरो जीरो, बिकॉज ओर गेट का आउटपुट क्या होता है, जीरो वन वन वन। तो नोर क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। अब अगर हम केयरफुली इसको ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या है कि जब एक भी इनपुट वन है तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, जीरो। बस हमें यही बात ध्यान रखनी है कि जब एक भी इनपुट वन है तो हमें आउटपुट में जीरो मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाना। हमारे पास इनपुट्स कितने हैं, दो हैं, एस आर। आउटपुट्स कितने हैं, दो हैं, क्यू एंड क्यू का कॉम्प्लीमेंट, एस फॉर सेट और आर फॉर रीसेट। अब पहले हम इसको ध्यान से देखते हैं। पहले हम अज्यूम करते हैं कि एस की वैल्यू क्या है, वन है, और आर की वैल्यू क्या है, जीरो है। एस की वैल्यू वन, आर की वैल्यू जीरो। अब क्योंकि एस की वैल्यू हमने दी है वन, एक भी इनपुट वन है, इसका मतलब हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, जीरो ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नोर गेट हमने यूज किया है। तो यहां से क्योंकि वन गया, अब चाहे क्यू की वैल्यू कुछ भी हो, क्यू की वैल्यू चाहे जीरो हो चाहे क्यू की वैल्यू वन हो, मतलब प्रीवियस वैल्यू चाहे जीरो हो चाहे वन हो, यहां से हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि एस की वैल्यू वन है तो जीरो मिलेगा। आर की वैल्यू हमने क्या रखी है, जीरो रखी है। यहां से ये जीरो जाएगा तो जीरो जीरो हमें क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। तो उस केस में मतलब जब एस की वैल्यू वन है और आर की वैल्यू जीरो है तो हमें क्या मिल जाएगा आउटपुट में, क्यू की वैल्यू वन और आर की क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या मिली, जीरो। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फ्लिप फ्लॉप किस स्टेट में आ गया, सेट स्टेट में, क्योंकि हमें आउटपुट में क्या मिला है, वन मिल गया है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट इनपुट, अब हम क्या मान लेते हैं कि अभी एस कहां पे आ गया, जीरो कंडीशन पे आ गया है। कहां आ गया है, जीरो कंडीशन पे आ गया है, मतलब जीरो हो गया है। इसके बाद में आर क्या है, जीरो ही है। अब क्या होगा, अब क्योंकि ये भी जीरो और ये भी जीरो है, दोनों ही क्या है, जीरो जीरो है। प्रीवियस वैल्यू अब हमारी क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, वन है। तो हम इसी को अज्यूम करके चलते हैं, क्यू की वैल्यू क्या है, वन है। तो ये वन यहां से आएगा, वन जीरो, एक भी इनपुट वन, मतलब हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। ये जीरो यहां से गया और जीरो जीरो हमें क्या मिला, वन मिला। तो हमें अब आउटपुट्स क्या मिले, वन जीरो। तो वन जीरो, अब इसका मतलब क्या है कि जब दोनों इनपुट्स एस और आर दोनों जीरो होते हैं तो ये जो आउटपुट हमें क्या मिलते हैं, पहले जैसे ही मिलते हैं, मतलब प्रीवियस स्टेट जैसे ही मिलते हैं, जो पहले की स्टेट है वही मेंटेन रहती है, मतलब आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता है जब दोनों जीरो होते हैं। तो इसके बाद में अब हम क्या मान लेते हैं कि एस की वैल्यू तो जीरो ही है, अब आर क्या हो चुका है, वन हो चुका है। आर क्या हो गया, अब वन हो गया। अब आर की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। एक भी इनपुट वन, इसका मतलब आउटपुट में क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ये जीरो यहां से कनेक्ट हुआ,
जीरो जीरो हमें क्या मिलने वाला है, वन मिलने वाला है। इसका मतलब q की वैल्यू क्या हो गई, अब जीरो हो गई और q का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, वन हो गया। तो इस स्टेट को क्या बोला जाता है, रीसेट। और ये स्टेट क्या थी, सेट। इसके बाद में अब ये जीरो ये वन, अब हम मान लेते हैं कि अब ये भी वापस कहां आ गया, जीरो स्टेट में आ गया, मतलब अब वापस दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। तो अब क्या हुआ, ये भी जीरो ये भी जीरो। प्रीवियस हमारा जो स्टेट थी वो क्या थी, जीरो, मतलब क्यू की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। हमें यहां से देखनी है तो क्यू की वैल्यू जीरो यहां से गई, जीरो जीरो हमें क्या मिला, वन मिला। ये वन ऊपर गया तो यहां पे क्या गया, वन, जीरो वन हमें क्या मिलने वाला है, जीरो। तो इसका मतलब जीरो और वन। तो फिर से हमने क्या नोटिस किया कि जब एस और आर दोनों इनपुट जीरो हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिल रही है, प्रीवियस स्टेट ही मिल रही है। जीरो वन था तो हमें वापस क्या मिल रहा है, जीरो वन। यहां पे हमने देखा वन जीरो था तो हमें मिला वन जीरो। तो जीरो जीरो पर पहले वाला जो स्टेट थी हमें वही मिल रही है। यहां पर वन जीरो थी तो यहां पर भी वन जीरो, यहां पर जीरो वन था तो यहां पर भी जीरो वन। तो वापस हमें क्या मिली, प्रीवियस स्टेट ही मिली। अब हम मान लेते हैं कि दोनों ही क्या हो गए, वन हो गए, क्योंकि अब यही कॉम्बिनेशन बचा है। तो दोनों ही क्या हो गए, वन हो गए, दोनों ही हो गए वन, ये भी वन ये भी वन। अब चाहे प्रीवियस वैल्यू जो भी हो, एक भी इनपुट वन है।